ब्रॉडवे विदेश जाने के सुपनों को देगा हकीकत की उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। यूएस स्टडी वीजा और खासकर इसका इंटरव्यू मैं पिछले काफी दिनों से बच्चों से लगातार मिल रहा हूँ। इस हफ्ते भी मेरे पूरे ट्रिप्स हैं। मैं गुरदासपुर ऑफिस हूँ, जलंधर ऑफिस हूँ, फिर उसके बाद मोहाली हूँ, करनाल आऊंगा। सब ऑफिस में पर्सनली मैं जा रहा हूँ, बच्चों से पर्सनली मिल रहा हूँ। यूएस स्टडी वीजा को लेके एक बहुत तगड़ा मिथ है स्टूडेंट्स के अंदर। आज उस मिथ को तोड़ेंगे कि जो उसका इंटरव्यू है, उसकी जो तैयारी है, वो किस माइंड सेट से करनी है। जी हाँ, इस शब्द को ध्यान से सुने, किस माइंड सेट से करनी है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं इंटरव्यूज के अंदर, ज्यादातर बच्चे जो किसी ना किसी कंसल्टेंट से रिफ्यूज होकर आए हैं, उनके अंदर गलतियां क्या है। गलती सबसे बड़ी आप एक करते हो, आप इंटरव्यू को रटने की कोशिश करते हो। चाहे वो आपको कंसल्टेंट चार लाइनें बताता है, या फिर आप यूनिवर्सिटी के बारे में उसकी जाके वेबसाइट पे पढ़ लेते हो, या उसके कोर्स के बारे में उसकी वेबसाइट पे पढ़ लेते हो, तो आप वो चार पांच लाइनें रट लेते हो। और वो रटी हुई लाइंस इंटरनेट से उठाई हुई, कंसल्टेंट से उठाई हुई, वेबसाइट से उठाई हुई, आप उन लाइंस के जरिए अपने इंटरव्यू के आंसर देने की कोशिश करते हो। तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब आपसे दूसरा क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा और आपका वीजा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ, यूएस के अंदर अगर आपको वीजा हासिल करना है, तो जब आप वीजा ऑफिसर से बात कर रहे हैं, तो आपके जो शब्द हैं वो अपने होने चाहिए। आप एक चीज को समझें, सिंपल चीज को। अगर हम किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या किसी भी जगह पे कोई लेटर लिखते हैं, वो लेटर लिखने की भाषा हमारी अलग होती है, और जो भाषा हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, वो थोड़ी अलग होती है। मतलब अनफॉर्मल लैंग्वेज होती है और वो फॉर्मल लैंग्वेज होती है। तो यूएस वीजा आपको फॉर्मल लैंग्वेज से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब आप फॉर्मल लैंग्वेज बोलने की कोशिश करोगे, आप बिल्कुल सही और हैवी हैवी शब्द जो इंटरनेट से चोरी किए हैं, वेबसाइट से चोरी किए हैं, कंसल्टेंट से लिए हैं उधारे, उनसे जब आंसर देने की आप बात करते हो, और आप सोचते हो कि बड़े शब्द बोलने से वीजा ऑफिसर के ऊपर बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा, तो आपकी ये गलत फहमी है। क्योंकि उससे सबसे पहले वीजा ऑफिसर को ये बदबू आती है कि ये बच्चे की अपनी कोई रिसर्च नहीं है अपने फ्यूचर के लिए, ये रटी रटाई चीजों को बोल रहा है। मतलब इसका अपना माइंड अभी इतना प्रिपेयर्ड ही नहीं है, इतना स्ट्रांग ही नहीं है कि ये अपने डिसीजंस अपने दिमाग से ले रहा है। तो दैट इज अ रीजन यू गेट डिक्लाइंड योर वीजा। जिस दिन आप वीजा ऑफिसर से अनफॉर्मल वर्ड्स में, अपने शब्दों में अपनी बात कहेंगे, तो आप वीजा हासिल कर पाएंगे। एक अगर आप इसी YouTube के ऊपर थोड़ा सर्च करेंगे, तो आपको US के एक्स वीजा ऑफिसर्स की वीडियो मिलेगी। एक बहुत अच्छी बात उसने कही थी, एक लाइन में मुझे आज से 5-7 साल पहले समझ आ गई चीज। उसने कहा था कि जब बच्चे हमारे पास इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो वो हमारे से ऐसे बात करते हैं जैसे वो किसी जज के साथ बात कर रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा फॉर्मल होकर। लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चा हमारे से ऐसे बात करे जैसे वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहा है, और हमें जो भी हमारा सवाल है उसे लेकर, हर एक सवाल के पीछे हर बंदे की एक स्टोरी होती है। मैंने ये वीडियो बनाई, उसका एक कारण है। आपने ये वीडियो सुनी, उसका एक कारण है। आप इसके बाद खाना खाएंगे, रोटी खाएंगे, उसका एक कारण है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अमेरिका, कैनेडा, यूएस, मतलब पढ़ने जा रहे हो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में, और उसका कोई कारण नहीं है। आप कोई कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो और उसका कोई कारण नहीं है। अगर ये कारण नहीं है, तो मतलब वो थॉट प्रोसेस पढ़ने का आपका है ही नहीं, और आप सिर्फ उस कंट्री में एंटर होना चाहते हो। दिस इज द रीजन यू गेट योर वीजा डिक्लाइन। तो क्वेश्चन कोई भी हो, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि जवाब आपके खुद के होने चाहिए। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करूंगा। आज के लिए इतना। थैंक यू। ब्रॉडवे विदेश जाने के सुपनों को देगा हकीकत की उड़ान।